काट रही है और लोहे की कैंची से। अच्छा, और माशाल्लाह अम्मी अपनी तरफ से ना बाल बाल काटने की पीड़ थी तो जंग लगी हुई कैंचियों से भी बाल काट देती थी। हाँ। तो वो नीचे के दो मुंह निकल आते थे, फिर अम्मी कहती अभी तो काटे क्यों निकल आए, टंगा सही नहीं करती नहाने के बाद, भाई झुड़का करो, ऐसी ऐसी बातें सुनने, खुद तो माशाल्लाह काम खराब कर देती। एनीवे, तो मैंने भाई की जो शेव होती है ना उसी से शेव करके निकला। और आजकल मैंने एक नया, मैं इतनी यार नेट पे पता नहीं जो जो चीजें आती हैं हर चीज अपने मुंह पर डाल लेती, वो निकला कि पहले अच्छी तरीके से मुंह को कंडीशनर करे और वो करे। तो मैंने एक हफ्ता पहले पूरे मुंह पे ना ब्लेड मारा, मेरे मुंह पे वैसे बाल शाल नहीं है मगर उसके बावजूद मैंने मारा। हाँ। स्किन इतनी सॉफ्ट और कोई नहीं, वो नहीं, नहीं, बहुत थिक बाल आ जाते हैं, मैंने पूरे चेहरे पे मारा, कभी जिंदगी में कोई रिकमेंडेड नहीं करे। नो नो नो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि शायद मेरे मुंह पे बाल नहीं थे जिनके तुम एक रेयर केस हो, अदरवाइज खुदा का वास्ते बाल ये फेस के ऊपर ऐसे नहीं करना। हाँ, ब्लेड यूज ना करें, जिनके मुंह पे बाल होंगे उनको तो लग पता जाएगा। बहुत एंजॉय करने वाले हैं, डोंट मिस इश्क में काफिर आज रात ए प्लस की स्क्रीन पे 8 बजे। अच्छा, ये अपने अपने लंच बॉक्सेस शेयर करने हैं। क्या लंच लेके आया करती, जैसे फिजा? हाँ? क्या लंच लेके जाती है? मेरा लंच बहुत अजीब सा होता था, अम्मी वैसे अंडा पराठा जो बच जाता था वो दे देती थी साथ कभी कभी, बहुत कभी कभी होता था ये, वरना हम लोग खाते थे पराठा या रोटी रात की बची हुई, उसके साथ अम्मी केला रख के देती थी, वो बालों के लिए अच्छा था, हमारे बाल लंबे होते थे, हम खाते भी बहुत शौक से थे, तो केला रोटी, केला रोटी, केला रोटी, आम रोटी, आम रोटी, आम रोटी, आम पराठा, केला पराठा, ये हमें मिला करता था। केला रोटी, केला रोटी या केला पराठा, आम बाइट, एक वाला और एक रोल बना के ना उसको बाइट उसका मारा, तो वो उस तरह से हम लोग ये करते थे। और नॉर्मली होता ही था कि नई नई भाभी की आई थी हमारे घर में, शादी हुई थी तो भाभी को नाश्ता देना था हमें, अपने बच्चों को मतलब बनाया हुआ था कि हमारे बच्चे अब ये, तो अब ये जिम्मेदारी, तो हमें उसको नाश्ता भी दे दी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, हमने जाकर टिफिन बॉक्स खोला तो अंदर चीकू और रोटी मिली, तो हमने कहा ये चीकू रोटी क्या होता है यार, तो हमने घर आके पूछा भाभी चीकू रोटी करती तो केला रोटी, केला रोटी अम्मी देती है तो तब बुरा नहीं लगता, मैंने चीकू रोटी देते तो बुरा लग गया। तो चीकू रोटी भी खाया जा सकती है, हमें पता नहीं था भाभी ने हमें इंट्रोड्यूस करा। वेरी गुड, वेरी गुड। वरना और आप जनाब क्या लेके जाते थे लंच बॉक्स? खोल के दिखाना है सारा, खोल के दिखाने अपने अपने लंच बॉक्सेस जो लेके जाते थे, ये हम बना के खुद लाए। हाँ, एक्चुअली जो मैं लेके जाती थी वो ये क्या है, अच्छा ऐसे करके रोल वाला अंडा पराठा, और कभी भी ऐसे नहीं खाना क्योंकि वो लिपस्टिक खराब हो जानी है जी, चुपके से रहेगी। अच्छा, फाइन नहीं होता था? नहीं, किसी को क्या पता, लगी नहीं रही होती थी लिपस्टिक। अरे वाह। अच्छा, मेरा लंच बॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता था, तो मैं पेटू शुरू से ही रही हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा होता था, उसमें पोर्शन हुआ करते थे, तो वो अम्मी एक में पास्ता डाल दिया करती थी एक पोर्शन में, एक मेरा होता था स्लाइस पूरा ऑमलेट में भिगो के उसको फ्राई किया जाता था, ठीक है, तो वो दो स्लाइस वो होते थे और एक साइड पे थोड़ा सा मीठा होता था, ये मेरा लंच बॉक्स होता था। क्या बात, साथ में थ्री मील कोर्स लेती थी शुरू से, लाल शरबत, पता नहीं उसका नाम नहीं ले सकते, लाल शरबत की एक पूरी बॉटल होती थी, पानी नहीं होता था वो पूरी बॉटल होती थी, ठीक है, ठीक है, खाने पीने में। अच्छा, फिर मैं वो भी खाती थी और फिर मैं कैंटीन से भी खाती थी, ना स्कूल पढ़ने जाते थे, कैंटीन से भी खाती थी, फिर मैं कैंटीन से भी खाती थी, वेरी गुड, और फिर मैं अपने दोस्तों का भी थोड़ा थोड़ा खाती थी कि दिखाओ जरा तुम लोग क्या लाए हो। अच्छा, मेरी अम्मा वर्किंग थी शुरू से। हाँ। और चूंकि बड़ी हिम्मत है यार उनकी, चार बच्चों को सुबह सुबह तैयार करना था, खुद भी जाना, तो हमें जो लंच मिलता था वो अमूमन पराठा जो बनता था, वो जो पराठा अपना छोड़ देते थे, कहते यही रखो, अब लंच बॉक्स में रखो, जाया नहीं करना, हाँ जाया नहीं करना, और साथ में ऑमलेट बना हुआ है तो वो दे दिया, और जब नहीं है तो फिर ब्रेड के ऊपर जल्दी जल्दी लगाकर जैम दे दिया या फिर मक्खन लगा के दे दिया, और मैं हमेशा अपना लंच बॉक्स जो है वो जाके अपनी फ्रेंड को दे दिया करती थी, उसे कहती थी अपना दे दे, और मेरी उससे दोस्ती इसी बात पे ज्यादा, मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है और वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में होती है और वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ी, खैर मैंने भी पढ़ा ठीक ठाक, लेकिन उन्होंने, मैंने किया, अच्छा अपनी डिग्रीज भी शेयर करते हैं, मैं उसने किया है PhD इन केमिस्ट्री, ओके, और मैंने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दी थी, मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन, बताऊं मैंने क्या किया, बताएं ना, मैंने पहले ग्रेजुएशन की इसमें है क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने JPMC से जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट से DPT किया जो 5 साल की डिग्री है, उसके बाद फिर मैंने 2 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, एंड देन मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से MPhil किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, मगर मुझे फिर भी लगता है मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी, क्योंकि उन सब ने अपने करियर्स को परसू किया, मेरे साथ भी खराबी हो गई थी,
बंधन बंधन हिट हो गया था यार, बंधन वाज मतलब आज बंधन हिट हो गया था और मैं उस वक्त अभी पढ़ रही थी. हमारा बंधन देखा तो उसके बाद दो खिलाड़ी आपस में तो बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं कि हम बात ना ही करें तो बेहतर. हाँ मतलब हमें तो ये पता है, हमने बीए किया था, पढ़ने को वही बीए किया था, वो भी चार साल निकल नहीं रहा था, अजाब हो गया, अजाब हो गया. मैं कहती थी अपनी किसी रिश्ते को तो बोलते हाँ आराम हो गया था. डिग्री का वेट करो, सपली का वेट करो, मनु सपली आई थी, बता दिया अल्लाह तौबा क्यों बताया. कोई बात नहीं, अच्छा, नहीं हकीकतें हैं जिंदगी की, ठीक है हकीकतें. अच्छा लेकिन ग्रेजुएशन के बाद फिर नहीं किया? नहीं फिर कर ही नहीं पाए, झूठ बोलती थी. नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत बहुत हैंड्स के रस्से से बस के खानदान में इज्जत रह जाए थोड़ी. ये ना होंगी पढ़ी लिखी नहीं, रिश्ते में कोई खराबी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बस, अदरवाइज तो कोई शौक नहीं था. ठीक है यार, रिश्ते वैसे अच्छे लग जाते थे तो क्या जरूरत थी. बिल्कुल क्या जरूरत है इतना पढ़ने की. सही, हमने देख लिया आपका लंच बॉक्स. हाँ देख लिया. अच्छा इतना बताओ तुमने क्या क्या किया? मैंने क्या क्या किया? मैंने आर्मी स्कूल से स्कूलिंग की, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से मैंने इंटर किया और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने बैचलर इन टेक्सटाइल्स किया. मुझे मास्टर्स करना था गुजरात में, पर काम में लग गए, फिर शादी हो गई, पर अभी भी मेरा एक है गोल कि मैंने मास्टर्स करना है बाहर जाके गुजरात में. कब होगा पर होगा, गुड एम्बिशन होना चाहिए. जी सुनो जरूर जाना. जिया ने जिया की भी बड़ी जिया ने स्ट्रगल भी बहुत की. जिया ने अपनी अपनी फील्ड में यार फील्ड में बहुत स्ट्रगल है. पहले कहती पढ़ाई में किसमें स्ट्रगल, मुझे याद ही नहीं था. मैं स्ट्रगल मैं और स्ट्रगल बहुत दूर दूर क्यों भाइयों का ख्याल करना यार, वो उल्टा मेरा ख्याल करते हैं. तुम लोगों को गलत फहमी है ये. अच्छा ये टोटल उल्टा सीन है, मैं बड़ी हूँ लेकिन ख्याल वो मेरा कर रहे होते हैं. वेरी गुड. सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, मेरे जो दिल में है मैं कर लेती हूँ. हाँ ठीक है, बिना टॉम बॉय टाइप बनना ऑलवेज उनको लड़कियां होना चाहिए था, वो उल्टा मेरा ख्याल कर रहे होते. ओके एक सिचुएशन के बाद हम बाहर जाने लगे. लंच बॉक्स तो देखा नहीं आपने हमारा, मतलब हम देखो मेरा लंच बॉक्स देखेगा इसलिए क्योंकि जो मैं खाती थी वो मैं आज नहीं ला सकती. मेरा यूजुअली जो शौक है मुझे अभी भी पराठे खाने का बहुत शौक है. और क्योंकि हमारा स्कूल बहुत, मेरा स्कूल शुरू होता था 11 बजे सुबह और शाम 5 बजे तक होता था, बिकॉज मैं सेकंड शिफ्ट में पढ़ी नहीं हूँ, मैं सुबह नहीं उठती थी. तो ये स्पेशली जब जा के दौर के बाद ये सारा सिलसिला हुआ था. पहले तो एजुकेशन को एजुकेशन नहीं होता था, लेकिन मुझे जो कैंटीन की चीजें थी ना, मुझे अपने पैटीज कैंटीन के और समोसे, तो अम्मी ने सारे कैंटीन के हमारे पैसे बहन भाइयों के, हम लोग चार बहन भाई पढ़ते थे एक ही स्कूल में, तो सबके पैसे दे दिए होते थे सबके नाम नाम. तो कैंटीन से क्या चीज शौक से खाते थे? पैटीज और समोसे और चाट और इस तरह की चटपटी चीजें मैं और मैं बहुत ज्यादा खाती थी. गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद थे कैंटीन में. वेरी गुड. और सबसे बड़ी बात है स्कूल खत्म होने के बाद, छुट्टी के बाद मूलियों वाले जो बाहर खड़े होते थे वो मूलिया को जो लगा के मसाला लगा के लेमन लगा के और छलियां जो होती थी बाहर और केरियां केरियां भी और भी जो होता है वो क्या उसे कहते हैं अमरूद अमरूद सारे डाल के चटपटी चीजें जो ढेलों की चीजें. आई लव इट. तुम क्या लेके जाती हो भाई? मैं तो थी ना नहीं, मुझे अपना बिल भी पास नहीं करवाया. पराठा अचार में बहुत शौक से खाती थी. घर में जो भी सालन रात को बनता था मैं उन बच्चों में से थी कि मैं वो साथ में लंच एज अ लंच लेके जाती थी. पर आज मैं लेके आई हूँ अंडा और पराठा. पर ऑलवेज इन अ पर्सन कि भाई घर में जो बना है ना, बिरयानी बनी है, पुलाव बना है, व्हाटएवर, मैंने वो साथ लेके जाना है. और मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खाते थे. ये हमारा एक इतना बड़ा लंच बॉक्स होता मतलब ये एक था कि सारा का लंच क्या आया है वो खाएंगे. पराठा चाय पे जाती थी या स्कूल जाती? नहीं मैं बहुत मैं बड़ी थी स्कूल में भी कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी जहाँ मैं थी वहाँ मैं थी. अच्छा के साथ मतलब प्लॉट में वलीमा हो रहा था. नहीं किसी ने कभी किसी फ्रेंड का लंच बॉक्स चोरी किया? मैं चोरी नहीं किया. मैं अपना वो लंच बॉक्स केला रोटी चीकू रोटी आम रोटी कौन खाएगा? मैं दूसरे के खाती थी. मैं सारे कभी अपना खाया ही नहीं है कुछ. वो कौन खाएगा केला रोटी चीकू? खाओगे तुम लोग? अच्छा हमारे जमाने में ना वो ब्लू रियल और रेड हिल हुआ करते थे एक जमाना था. तो वो भी मैं खाया करती थी कैंटीन से जाके. वो 3 रुपए के मीटर थे. इमेजिन 3 रुपए. वेरी गुड. अपन दड़ी कितने पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? 4 आने से शुरू हुआ मेरा सिलसिला. 4 आने वाज द बेस्ट. 8 आने मिले थे तो हम पागल हो रहे थे. कैश कभी देखा नहीं था हमने जिंदगी में. कितने स्कूल ले जाने के लिए? 15-20 रुपीज. मुझे आठ आने में मिलती थी ऑरेंज वाली छोटी सी, उसको चूस चूस के बाद कैंटीन से लंच.
हम कहते थे लंच किया कैंटीन से, कभी 10 रुपए मिलते थे, 10 रुपए। और सिद्धू जो मेरी छोटी बहन है वो तो अमीर, 100 रुपए 50 रुपए लेकिन स्कूल में जब कोई एक्टिविटीज होती थी, कोई ऐसे फंक्शन होते थे तो हमें 50 या 100 मिलते थे, क्योंकि वो बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते थे खाने के। हमें पैसे मैं अगर हाँ मैंने भी नहीं देखे, अगर हम लोग कहते थे ना कि वो तो मेरे अब्बा आगे से क्या करते थे, क्या करने पैसे, जब घर से लंच बॉक्स लेके जा रहे हो और घर आगे खाना खाने तो पैसे क्या करने वहाँ, अच्छा नहीं एक पैसा नहीं मिलेगा, तो चीख चीख के लेके जाए। तो हम लोग इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट बच्चे थे, सीधे वाले। मॉडलिंग में आके मैंने 100 का नोट देखा अपने स्कूल के बाद, उससे पहले मैंने कभी नोट नहीं देखा। मेरा बंधन करने की वजह क्या थी, पूछो क्या वजह।